नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट द सब्जेक्ट इज सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 3, व्हाट इज ए गवर्नमेंट। दैट इज माय सेकंड वीडियो। इट इज टेल अस अबाउट ए गवर्नमेंट। ओके, देयर द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटर। दैट इज माय फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट टॉपिक। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लॉ इन ए कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, द लॉ से दैट यू शुड सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ए पर्सन कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी मे बी अरेस्टेड। वन कैन बी सेंड टू जेल फॉर डेंजरस ड्राइविंग। ऑल्सो इट इज अगेंस्ट द लॉ टू हर्ट और किल पीपल। एनी वन हु ब्रेक द लॉ विल बी पनिश्ड। विदाउट सच रूल peace and order is impossible. Okay? तो इस तरह से हमारे विधानमंडल, इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटर का, कि विधानमंडल के क्या कार्य हैं। देश में हम जान रहे हैं कि बहुत से कानून बनाए गए हैं, पाए जाते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति जो है, उसकी रक्षा के लिए ही कानून बने हैं। कोई व्यक्ति अगर इसको डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए अलग से उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको पनिश भी किया जाता है और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ती है। ऐसा हम लोग जानते पहले से ही। तो हम लोग ये जाने कि लोगों को दुर्घटना के शिकार से कैसे रोका जाए। वो अगर गलत तरीके से गाड़ी चलाते हों सड़क पे, तो उनको फिर से बहुत सारे पनिश दिए जाते हैं, दंड दिए जाते हैं, बदले में उन्हें बहुत पैसे भी भरने पड़ते हैं। आपने सुना होगा ये सब चीज, ठीक है। तो देयर आर मेनी काइंड्स। ओके, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे बिना किसी वैध कारण के, तो इसको भी डिफाइन कर दें कि इट इज ए इफ ए पर्सन फील ही हैज बीन अरेस्टेड विदाउट ए वैलिड रीजन, जो ही कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ। इट सेम ऑन इज नॉट इन्वॉल्व इन ए क्राइम, द कोर्ट विल डिक्लेयर दैट ही इज इनकॉरेक्ट। ही वुड देन बी रिलीज फ्रॉम पोजिशन। ओके, तो अब हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से किसी व्यक्ति को यह लगता है कि हमको बिना किसी कारण से हमको अगर गिरफ्तार किया गया या न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है, तो इस अपराध के लिए, अगर अपराध में शामिल अगर नहीं है, तो न्यायालय में उसे निर्दोष साबित कर सकता है, उसे जेल से रिहा भी किया जा सकता है अगर सही पाए जाने पे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था होती है हमारे लेजिस्लेटर में। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं हम। लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सरकार की कितने लेवल है, कितने स्तर है, उसको हम लोग अब पढ़ेंगे, बताएंगे कि सरकार के कितने लेवल होते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट इफ इन एनी कंट्री फंक्शन एट सेवरल लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेट, ओके, एंड लोकल लेवल जो होता है उसमें गवर्नमेंट लुक आफ्टर नेशन, स्टेट आफ्टर द प्रोवाइड, एंड लोकल लुक आफ्टर द गवर्नमेंट, विलेज एंड टाउन। ओके, तो इस तरह से हमारे तीन लेवल होते हैं। हम इसको फिर से डिफाइन करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। देयर आर थ्री डिफरेंट लेवल, द लोकल लेवल, द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। लोकल लेवल मींस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लोकलिटी बाय ऑफिशियल सच ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एट द स्टेट लेवल वी हैव गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। एट पर्सन द यूनियन ऑफ द कंपोज and 29 state at the union or the central level we have the present president of India and the prime minister of the parliament. The government is such, each level has its role and determined by the constitution of India. Okay, तो इस तरह हमारे जो तीनों लेवल है, ये अपने अपने लेवल से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्टेट में ये लोग काम करते हैं। और ये लेवल में आपको हमने बता दिया कि किस लेवल में प्राइम मिनिस्टर आएंगे, किस लेवल में मजिस्ट्रेट आएंगे, इस तरह से हमने आपको डिफाइन कर दिया। अब आती है हम डिवीजन ऑफ मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। इसका मतलब होता है निर्णय लेना और सहभागिता।
ओके, डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से ये हमारे सरकार क्या निर्णय लेती है और इसमें क्या मुख्य भूमिका निभाई जाती है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। कौन कौन इसमें सहभागी होता है, सरकार का मुख्य कानून बनाना है, ये सभी जानते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज मेक लॉ, वी हैव डेमोक्रेसी इन इंडिया, इन ए डेमोक्रेसी द डिसीजन एंड टेकन बाय द इलेक्टेड, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा निर्णय किया लिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ऑफ द पीपुल। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। द डिसीजन आर टेकन आफ्टर ए ट्रू डिसीजन ए डिबेट, देर आर मेनी डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस ऑल्सो। वेन आवर रिप्रेजेंटेटिव डिफर इन ओपिनियन इन एनी मैटर, सो मैटर शैल बी डिसाइड अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। ओके, तो इस तरह से हमारे बहुत सारे बहुमत के द्वारा तय किए जाते हैं कि कौन से विषय पे क्या काम करना है। ठीक है, अब आते हैं कि द फर्स्ट नंबर इज द व्यू एक्सप्रेस बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर रिगार्डेड एज द व्यू ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। द मेन पार्टिसिपेशन ऑफ इन ऑल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कलेक्टिव डिसीजन आर इंसेंटियल ऑफ द स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इट शो द मेच्योरिटी ऑफ द पीपुल। दिस इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इज डाइवर्सिटी, पीपुल हैव डिफरेंट ओपिनियन बट दे एग्री टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन टेकिंग बाई मेजोरिटी और लेजिस्लेटर। ओके, एंड द फाइव नंबर इज द पीपुल एग्री टू एक्ट इज इन हिज मैनर एंड वाइड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इंटरेस्टेड जो होते हैं समाज में उनके लिए ये होता है। तो हम आपको एक बार और से बता दें कि ये कह सकते हैं हम कि समाज में व्यापक हित के कार्य करने के लिए जो सहमत हो जाते हैं लोग अच्छे अच्छे काम करने के लिए, तो इस तरह से उनकी सहभागिता को हम निर्णय के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और समझते हैं कि ये अच्छा बोला है खराब बोला है, इसकी बातों को किया जाए या नहीं। और सबसे पहले तो ये जरूरी होता है कि समाज की परिपक्वता को, जैसे समझदारी को प्रकट करती है आपके विचार, आपके निर्णय, ये आपके समझदारी को प्रकट करता है। एकता तो हमने डाइवर्सिटी पढ़ाया भी है, एक सुंदर उदाहरण है। अगर एक साथ मिलके हम लोग रहें तो हम बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे विचारों के लोग भी एक होके कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों टॉपिक हमने डिफाइन किया है। अब इसके बाद से हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना है। द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटर एंड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग द पार्टिसिपेंट, ये तीनों टॉपिक से आपको दो दो क्वेश्चन अपने मन से चूज करके बना के रखना है क्वेश्चन, और आपको हमसे बुक्स पढ़िएगा इसके जितने भी हैं टॉपिक, और उसमें से आप हमको डाउट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। आप हमको फिर से होमवर्क के तौर पे मैं आपको और भी बताऊंगी, आप इसका फेयर भी करते जाएंगे और इसको अच्छे से समझिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। ओके, दैट्स ऑल।